इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूपी में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर और मदन भैया की हार जीत को लेकर शर्त लगाई गई, और ये कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं थी, इसके लिए बकायदा स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। साथ ही आपको एक बात और बता देते हैं, ये शर्त कोई एक दो रुपए की नहीं बल्कि पूरे 18,000 की है। बता दें कि अब जब ये स्टैम्प पेपर पर बनाया गया एग्रीमेंट वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। प्रत्याशियों की हार जीत को लेकर 18,000 रुपए की शर्त लगाने वाले दोनों युवकों को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक अमित और इकबाल लोनी के लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी के रहने वाले हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं कि आखिर एग्रीमेंट में लिखा क्या था। लोनी विधायक चुनाव जीतने की शर्त, आज दिनांक 11 फरवरी 2022 को 10 फरवरी 2022 को हुए लोनी विधानसभा चुनाव में दो पक्षों के मध्य शर्त अनुबंध पत्र का निर्माण हुआ है। श्री अमित बैसला पुत्र रघुवीर बंसल निवासी लक्ष्मी गार्डन लोनी का दावा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री नंदकिशोर गुर्जर विजयी होंगे, जबकि वहीं इकबाल पुत्र वहीद निवासी लक्ष्मी गार्डन का कहना है कि इस चुनाव में सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया विजयी होंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की ओर से 18,000 रुपए की शर्त तय की गई है। श्री अमित बैसला और इकबाल पक्ष की शर्त 18,000 की रकम इकबाल के पास ही जमा है। यदि भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर चुनाव जीता तो अमित बैसला 18,000 की रकम इकबाल से लेगा। शर्त की रकम को लेने का दिन 15 मार्च 2022, और यदि सपा रालोद प्रत्याशी मदन भैया चुनाव जीते तो 18,000 की रकम को इकबाल अपने पास रख लेगा। दोनों पक्षों की आम सहमति से शर्तनामा अनुबंध पत्र तैयार हो रहा है ताकि काम आ सके। तो देखा आपने भाई, ये शर्त तो हद से ज्यादा निराली थी। आपका क्या कहना है इस शर्त पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।